पर अब जरा आते हैं, राजस्थान में क्या परिस्थिति है आप बताइए। और सवाल यह है कि देखिए अभी तो इस राउंड में तो इस बीमारी ने हमसे बाजी मार ली, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर जो किल्लत का हम सामना कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि वैक्सीन को लेकर भी अभी से नहीं करेंगे तो 2 महीने 3 महीने में हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको वैक्सीन पर। प्रताप जी देखिए, अंजना जी एक बात तय कर लीजिए कि अब ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं, ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। सारे संसाधन झुकने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। अभी अभी मैं सुबह से मेरा दरवाजा खुला रहता है, मेरा फोन खुला रहता है। राजस्थान में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर बहुत बड़ा हंगामा है। यहाँ के अखबारों ने भी लिखा राजस्थान को जितनी बड़ी तादाद में हमको हमारा जितना कोटा मिलना चाहिए था ऑक्सीजन का, वो नहीं मिल रहा है। इससे राजस्थान में मरीज तड़प रहे हैं। पहले पिछली बार केंद्र सरकार के पास मैनेजमेंट नहीं था, पहले राज्यों के पास मैनेजमेंट था, आराम से ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी चार्ज नहीं है। इसको चार्ज प्रॉब्लम एक हो गई, जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा भी सुनना पड़ेगा, उसको तकलीफ भी सुननी पड़ेगी। आज मैं केंद्र सरकार के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, कोई राज्य यदि आपसे बात कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, आप तो गुस्सा मत करो, आप उसकी बात सुनो, समझो, खजाना खोलो, चाहे विदेशों से मंगाओ ऑक्सीजन, इंजेक्शन की कहीं कमी आ गई। साफ में पहली दिख रही है कि राजस्थान को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन आप नहीं दे रहे, दूसरे राज्यों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे ज्यादा आप ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो राजस्थान को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी दो, दूसरों को जितनी चाहिए उतनी दो, ऐसा मैनेजमेंट करो। अब की बार ऑक्सीजन की ज्यादा प्रॉब्लम आई और क्राइम आम हो गया पूरे देश में। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी वैसा ही हुआ हमारे साथ। मैं सिर्फ राजस्थान और इसमें भेदभाव नहीं कर रहा, अब वक्त आ गया है। आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने विदेशों को दे दी, उसी वक्त आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर उम्र के व्यक्ति के 18 से लेकर यहाँ तक लगाना चालू करते तो 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को, अब तक 20-25 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाती। सारी दुनिया जानती है कि ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी में बटकर कैसे लड़ोगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बटकर, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, महामारी है। और महामारी में राजनीति बंद करो। जिस जो आदमी मर रहा है, मैं अभी हॉस्पिटल का दौरा करके आया हूँ जहाँ कोरोना के मरीज है, वहां सेंटर में भी मैं जाके आया हूँ, लोग आप उसके आंसू देख लो, आपके खुद के आंसू आ जाएंगे। अभी भी हमारी आत्मा नहीं रो रही, अभी भी हम नई पसीज रहे। दुनिया में दो ही सच्चाई है, जिंदगी और मौत। मौत हमारे पास भी आएगी, दूसरों के पास भी आएगी। अब इस लड़ाई को बंद करो भाई साहब, ये खजाना हिंदुस्तान की जनता का है, हर व्यक्ति का है। ये खजाना को ये नजर आना चाहिए, संकट में ही नेता का पता चलना चाहिए, संकट में पता चलना चाहिए कि केंद्र सरकार भाषण में नहीं, काम में भी बहुत जबरदस्त है, नजर आए। बड़े भाई की भूमिका में, पिता की भूमिका में पूरा नजर आए। और कई प्रॉब्लम है आपको कि हमारी बात से नाराज, ये तो हम वो आप हमको बता दो, हम ठीक कर लेंगे। लेकिन इस वक्त तो हाथ जोड़कर विनती है, लोगों को बचाओ, जो कर सकते हो करो। पहली बार ऑक्सीजन मैनेजमेंट केंद्र ने अपने हाथ में लिया, उसी में फेल हो गए। अब कम से कम जो राज्य चाहते हैं उसकी मदद करो। और ये वैक्सीनेशन हमने तो फ्री कर दिया, गहलोत साहब ने, अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान में, लेकिन यदि पूरे देश में आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते, बाहर नहीं भेजते, तो ये पूरा देश, मैं कह रहा हूँ, इससे ज्यादा बड़ा काम अभी भी बचाओ लोग। ठीक है, हाँ, हाँ। संदीप जी मैं आपसे जवाब, एक बार विश्वास सारंग जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, जल्दी से एक रिस्पांस उनसे फिर आपसे जवाब ले लूंगी। विश्वास सारंग जी, जो आपने दो दो एक केंद्रीय मंत्री राजस्थान के और आप माफ कीजिएगा कैबिनेट मंत्री और एक स्वास्थ्य मंत्री को सुना, मध्य प्रदेश का हाल बंद करो। देखिए अंजना जी, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पूरे देश में संक्रमण तेजी से फैला, हमारे यहाँ भी फैला, पर हमें पिछले 5 दिन से कुछ राहत महसूस हो रही है। हमारी पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हुआ है, हमारे केसेस आना कम हुए हैं, हमारा जो व्यवस्थाएं जो हमारी चल रही हैं वो सुव्यवस्थित हैं। जहाँ तक ऑक्सीजन का मामला है, आज टिल टुडे आज तक हम हमारी खपत और आपूर्ति का जो औसत है उसको बनाने में, मेंटेन करने में हम सफल रहे हैं। हमें जितनी ऑक्सीजन हम लेके आ रहे हैं, जितनी हमें आपूर्ति हो रही है, उससे 10-15 टन 20 टन हम कम ही उसकी खपत है। आगे तक का हमारा प्लान पूरा बन गया है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन तक, क्योंकि ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है पूरे देश के लिए। जी वैक्सीन की हमारी पूरी तैयारी है, हमने जितने भी चरण हुए, चाहे वो हेल्थ वर्कर का हो,
हाँ पूरी हमारी पूरी व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे का भी प्लान एकदम ठीक है। मैं केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, और हम उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। और अब यदि 1 मई से जो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है, हम उसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। जल्दी से संबित जी आप जवाब दे दीजिए सबका, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी की तरफ से, सबसे ज्यादा सवाल आप ही से है। सौतेले भाई का व्यवहार हो रहा है, देखिए मध्य प्रदेश में बम बम, गुजरात यूपी सब ठीक है, लेकिन बाकी राज्य कह रहे हैं सौतेला व्यवहार है, वैक्सीन में नहीं हो सकता ना सर। देखिए पहली बात तो मैं कह दूं, यहां बार बार कहा गया कि आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों किया, आपको वैक्सीन यहीं रखना चाहिए। देखिए ये देश आज एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है जी। आप अगर दूसरों को कहेंगे कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो दूसरे जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो वो कहेंगे हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आज पूरा विश्व हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, कहीं से क्रायोजेनिक टैंक आ रहा है तो कहीं से रेमडेसिविर आ रहा है, कहीं से वेंटिलेटर्स आ रहे हैं तो कहीं से पीपीई किट आ रहे हैं। आप अगर उनको मदद देने के समय आप हाथ खड़े कर देंगे और कहेंगे नहीं हम तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो भी हाथ खड़े कर देंगे जब आपको आवश्यकता पड़ेगी और वो कहेंगे हम भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपको भाईचारा पूरे विश्व में दिखाना है, नंबर एक। नंबर दो, यहां कोई स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, कोई सौतेला व्यवहार किसी राज्य के साथ नहीं हो रहा है, सभी राज्य में ठीक है।